छलांग लगाई है। ट्रेन की चपेट में आने से दो की मौत हो गई। लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर की जांच। मालगाड़ी के ड्राइवर ने झिंझक स्टेशन पर दी थी सूचना। प्रेमी जोड़े के परिजनों ने दोनों की शिनाख्त की। मंगलपुर थाना क्षेत्र के खानपुर चैन गांव की घटना। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर है। मालगाड़ी के ड्राइवर ने झिंझक स्टेशन पर सूचना दी थी। प्रेमी जोड़े के परिजनों ने दोनों की शिनाख्त की। मंगलपुर थाना क्षेत्र के खानपुर चैन गांव की घटना आपको बता रहे हैं। कानपुर देहात में प्रेमी जोड़े ने सुसाइड किया। अपर पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, इस वक्त आपको सुनवाते हैं। थाना मंगलपुर में ग्राम झुरिया पड़ता है। यहाँ के रहने वाले युवक युवती जिनकी उम्र क्रमशः 20 और 19 साल है, ये प्रेमी युगल थे। इन्होंने आज सुबह रेलवे ट्रैक में ट्रेन से कट करके आत्महत्या कर ली है। दोनों के परिजन जो है मौके पर पहुँच गए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और इनका पंचनामा करा के पोस्टमार्टम हेतु शवों को भेजा जा रहा है। वर्तमान में वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य। मोहित कश्यप हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। मोहित, कानपुर देहात में प्रेमी जोड़े ने सुसाइड किया है, क्या जानकारी? जी आयुष, आपको बता देना चाहता हूँ, पूरा मामला कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र खान चैनपुर जो खम्मा नंबर वहां पर यह घटना हुई है। ये दोनों जो प्रेमी है, इसमें काफी अरसे थे, इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पूरे मामले को लेकर के दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले जो थे वो नाराज चल रहे थे। दोनों के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो, तो कहीं ना कहीं ये लोगों का जब प्यार सफल नहीं हो पाया तो इन लोगों ने जाकर के ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली। तो प्रेमी लोगों ने आत्महत्या करने के बाद में स्टेशन मास्टर ने पुलिस को सूचना दी। वहां पर मौके पर सीओ पहुंचे और आप पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, उसको एसआओ को कब्जे में देकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे इस मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में दंपनी फैली हुई है। जी हरीश, लेकिन मोहित, प्रेमी जोड़े ने सुसाइड किया, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? क्या ऐसी वजह थी जिसको लेकर प्रेमी जोड़े ने ये सुसाइड किया? अभी परिजनों से पूरे मामले को लेकर के बात की जा रही। कोई भी परिजन या तो लड़की पक्ष के हो या लड़के पक्ष के, कोई भी कोई बात कहने से साफ मना कर रहा है कि किस बात को लेकर आत्महत्या की है, और न ही कोई ऐसी सुसाइड नोट मिला है कि आत्महत्या करने की वजह क्या। तो स्पष्ट अभी सामने निकल कर नहीं आ रहा कि वजह क्या थी जो इन लोगों ने आत्महत्या की दोनों ने। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर देहात में प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या की, लेकिन अभी तक वजह साफ नहीं है। पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और देश भर में कोरोना के लगातार रिकॉर्ड तोड़ केस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं ज्यादातर